नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में एक तरफ कांग्रेस की जीत का दावा किया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी आलाकमान को गुटबाजी का डर भी सता रहा है। वहीं वजह यह है कि अभी दो दिन पहले कांग्रेस ने एक दो नहीं पूरे 3 पर्यवेक्षक हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए नियुक्त किए हैं। पार्टी आलाकमान ने अशोक गहलोत, अजय माकन और प्रताप सिंह बाजवा को पर्यवेक्षक बनाकर भेजा है। इस समय कांग्रेस में 3 गुट हैं, इनमें से एक हुड्डा गुट है, दूसरा कुमारी सैलजा और तीसरा रणदीप सुरजेवाला का गुट है। सैलजा और सुरजेवाला गुट का हुड्डा गुट के साथ 36 का आंकड़ा माना जाता है। कांग्रेस आलाकमान की तरफ से कई बार गुटबाजी खत्म करने की कोशिशें भी की गई हैं, लेकिन इसमें सफलता हासिल नहीं कर पाई। कांग्रेस चाहती है कि सभी एकजुट होकर चुनाव लड़ें ताकि आसानी से सत्ता में वापसी का मौका मिल सके। एक तरफ जहां पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद को मुख्यमंत्री तौर पर प्रोजेक्ट कर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सिरसा सांसद कुमारी सैलजा को भी कई मौकों पर मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी पेश करते हुए सुना गया है। इसके अलावा कांग्रेस से राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला भी कई मौकों पर मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर इशारा करते हुए नजर आए हैं। यही वजह है थी कि कुमारी सैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला भी इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट की आस लगाए बैठे थे, लेकिन पार्टी आलाकमान ने किसी भी सांसद को टिकट देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा गढ़ी सांपला किलोई सीट से एक बार फिर चुनावी मैदान में हैं। ऐसे में उनकी सीएम पद के लिए दावेदारी मजबूत देखी जा रही है। हालांकि पार्टी की तरफ से अभी मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई भी ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन कांग्रेस का अभी सिर्फ विधानसभा चुनाव जीतने पर फोकस है। वहीं बात की जाए लोकसभा चुनाव की, तो लोकसभा चुनाव में भले ही कांग्रेस ने 5 सीटें जीत ली हों, लेकिन इस बार आपसी गुटबाजी की वजह से मुश्किलें बढ़ भी सकती हैं। लेकिन कांग्रेस की इस गुटबाजी का फायदा पहले भी भारतीय जनता पार्टी को मिला है। ऐसे में गुटबाजी में उलझी हुई कांग्रेस कितनी सफल हो पाती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। और ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस के अंदर चल रही गुटबाजी का फायदा क्या भारतीय जनता पार्टी उठाते हुए एक बार फिर से यानी तीसरी बार हरियाणा के अंदर सरकार बनाती हुई नजर आएगी या फिर नहीं। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए।